जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल लगातार बढ़ता जा रहा है और इस कोरोना काल में कई लोगों की भुखमरी की हालत आ गई थी। वहीं भुखमरी की कगार से जब लोग बाहर निकले तो कई चीज़ों के दाम बढ़ गए। बता दें आपको, वर्धमान सदी से हर साल बरेली में 30,000 मजदूर मांझा बनाकर अपना घर परिवार चलाते थे और अब वर्धमान सदी के दाम बढ़ने से कई मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। जो सद्दी पहले 360 रुपए की आती थी, अब वो 670 रुपए की आ रही है और उसमें भी लोगों को माल नहीं मिल पा रहा है। जिनके पास है वो ब्लैक करके बेच रहे हैं, जिससे कई मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। इस खबर पर हमारे रिपोर्टर शुभम चंद्रा मौजूद हैं। हम जानते हैं उनसे क्या है पूरा मामला। जी शुभम, नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज बरेली में और मैं हूँ आपके साथ शुभम चंद्रा। उत्तर प्रदेश बरेली शहर का हम हुसैन बाग में खड़े हैं, जहाँ पर तमाम मजदूर अपना काम चला के मांझा बना के अपना घर पालते हैं और दो वक्त की रोटी चैन से खा पाते हैं। वहीं देखा जाए तो आधे लोग तो भुखमरी के मारे वैसे ही मर गए थे, लेकिन दूसरा मामला सामने आ गया कि जो वर्तमान की सर्दी आती है, जिससे ये लोग मंजे का काम करते हैं और अपना घर रोजी रोटी चलाते हैं। मंजे की जो सर्दी आती है वो इतनी महंगी हो चुकी है, इस समय जो डबल रेट हो चुका है उसका। जो सर्दी पहले 380-360 रुपये की आती थी, अब वही सर्दी इनको 600-700 रुपये में लेनी पड़ रही है और उसमें भी जो मार्केट वाले हैं वो ब्लैक कर रहे हैं सर्दी को। हम इनसे जानेंगे क्या समस्या है इनकी और कैसे ये लोग परेशान हो चुके हैं इसमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरशद हुसैन, मांझा मजदूर कल्याण समिति का अध्यक्ष हूँ मैं जी। ऐसा है, जब से ये 22 मार्च और 2020 से जो लॉकडाउन जो लगा है, तब से मांझा मजदूर वर्कर बेचारे सभी परेशान हैं। तो 2-3 महीने तो कोरोना की मार झेली, उसके बाद जब काम शुरू रात जो हुआ उसके बाद धागा आना बंद हो गया कंपनी से, कि वो पता चला कि साहब माल कंपनी में कपास ही नहीं है। जब से दिक्कत में ये पैदा हो गई है कि जो धागा हम लोगों को 380 और 395 रुपए में मिलता था, आज ये हालात है कि वो जब धागा के 600 के पार कर गया है, हमारा माल इतना महंगा बन रहा है कि इस वजह से इसकी ख़रीदारी बिल्कुल बंद हो गई। हम लेबर को भरपूर तरीके से पैसे नहीं दे पा रहे हैं और लेबर भी परेशान है, वो उसकी बड़ी समस्या का हल हो गया है। लोग यहाँ पर जो धागे को आता है, 30,000 वर्कर लगभग काम कर रहे हैं, 30,000 वर्करों में ये समझ लिए मुश्किल से अब इस वक्त बरेली शहर के अंदर 5,000 से ज़्यादा आदमी काम नहीं कर पा रहा है। धागा भरपूर मिल रहा है, अब आधे से ज़्यादा छुट्टियों में चल रहे हैं। ये धागा मिल क्यों नहीं पा रहा है, क्या वजह रह रही है जो आपके पास सही रेट पर धागा नहीं पहुँच पा रहा है? धागे की मेन समस्या ये आ गई है कि जो चीन से कपास आती थी, ये लोग बताते हैं कि चीन से कपास नहीं आ रही है, पाकिस्तान से कपास आती थी वो भी नहीं आ रही है। इसी वजह से वर्धमान कंपनी जो है वो माल को पूरा नहीं दे पा रही है हम लोगों को। जो वर्धमान कंपनी हम लोगों को माल देती थी, उसी की वजह से आज सारी परेशानी का हल ये है। अब माल इतना सा आता है थोड़ा सा कि जो कि बस चंद लोगों को मिल पाता है, वो उसमें भी फिर ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। उसके अंदर जो है 500 रुपए वाला माल 600 का 700 रुपए का बिकने शुरू हो जाता है। लोग परेशान है उससे धागा महंगा लेने से, और ले लेते हैं तो माल उस रेटों में माल नहीं बिक पा रहा है। लोग अपने घरों से पैसा समझ लो लगा लगा के और माल सस्ते में बेच रहे हैं कि इन लेबर का कम से कम काम चल जाए। ये सबसे बड़ी समस्या का ये समाधान अगर हो जाए तो बेहतर है। इसमें हमारे पीछे मजदूर भी मौजूद है जो बहुत परेशान है। क्या नाम है आपका? भाई इमरान रजा। क्या कहना चाहोगे आप इस परेशानी में? कहना चाहूँगा भाई, हमको 1.5 महीना हो गया खाली बैठे हुए। मेरे 7 बहन भाई हैं और 2 बाप हैं, और भाई हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि डोर अगर मिलती रहे तो बढ़िया है, वरना ये काम तो फिर कितने भूखमरी की हालत आ गया है जिससे डोर में 2 दिन से खाना नहीं खाया भाई हमने, हमारा पेट देखो। बताओ यार भाई, यार 2 दिन हो गए खाना नहीं खाया, और ये कहना मैं ऐसे ही अगर डोर का रहा तो हमारा काम जो बंद हो जाएगा, इसलिए हम यही गुजारिश करते हैं कि डोर मिलने चाहिए भाई। हमारे पीछे और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपको? सलीम अख्तर। क्या कहना चाहोगे, मजदूर भूखे मरने की हालत आ चुकी है, डोर दिन पर दिन डबल रेट का जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? बस ये जो प्रॉब्लम है मेरी समझ से, और कुछ लोग और भी हैं, उन लोगों की समझ यही है कि जब से एक्सपोर्ट खुला है तब से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कंपनी के पास कपास नहीं आ पा रही है, कपास आ रही है तो तैयार नहीं हो रही है, क्या है ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ क्या है, कुछ समस्या कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पहले के जो मजदूर काम करते हैं जिनका पहले से अब में कितना फ़र्क आ गया है काम करने में? अब तो ये समझ लिए आधा काम हो रहा है, उसमें भी जो है आधे में भी लेबर को फुल तरीके से काम नहीं मिल पा रहा है। कितना रुपये मार्केट में रेट जा रहा है वर्तमान सप्ले का?
वर्तमान का पहले जो डोर 400 के आसपास समथिंग मिलती थी, अब उसका कोई रेट ही नहीं है। 650 भी मिल रही है, 600 भी मिल रही है, ठीक है, कोई रेट ही नहीं है उसका। ये स्थिति है इस टाइम। जब से रेट बढ़ा तब से क्या लोगों का काम बंद हो चुका है, मजदूर भी कम हो चुका है? हाँ, काफ़ी काम बंद है। अभी आप अंदर जब नज़र डालेंगे, पहले जो है सब में काम होता था, अब जो है बट आधा रह गया है। जैसे कि हमारे पीछे जो लोगों का कहना है कि जो वर्तमान सर्दी 400 रुपये की आती थी, अब वो जो रेट जा रहा है वो 600-700 के पार जा रहा है। जो पहले पूरे बरेली में 30,000 मजदूर अगर काम करने वाले हैं, तो अब जो सर्दी ऊपर से आ रही है वो 5,000 आ रही है। बाकी जो ब्लैक किया जा रहा है लोगों का, अगर इनकी समस्या नहीं सुना है, कुछ लोग यहाँ भूखे भी है, प्यासे भी है, और जिनके घर पर रोटी भी नहीं चल पाई क्योंकि लॉकडाउन के मार से अभी बरेली वासी गुजरे थे। लेकिन दूसरी बात, यहाँ पर सर्दी की आ चुकी है, जब 15 अगस्त आने वाला, जिसको लेकर सर्दी बनाई जा रही है, और वो सर्दी नहीं मिल पाई तो लोगों के घर पर चूल्हा नहीं जल पा रहा है। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। मैं शुभम चंद्रा, अपने सहयोगी सौरभ के साथ, सिटी न्यूज़ बरेली।